आज के जमाने में शॉपिंग किसे करना पसंद नहीं है, और यदि बात हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो यदि जो अभी 512 MB रैम वाला मोबाइल भी चला रहा है, उसे भी यदि पता चले 16 GB की रैम का कोई फ़ोन आया, तो वो उसकी जो है प्राइस एक बार ज़रूर चेक करेगा, स्पेसिफिकेशन ज़रूर चेक करेगा, क्योंकि हमारे अंदर जो है ये जिज्ञासा इतनी ज़्यादा, हम इतने जिज्ञासु को हो जाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अपकमिंग टेक्नोलॉजी को लेके। तो इसी के बारे में हमारा कुछ वीडियो, यदि आपको करनी पड़े शॉपिंग और आप करें 6 करोड़ रुपए की शॉपिंग, तो आप मेरे को बताइएगा आप क्या खरीदना पसंद करेंगे। और यदि ऐसे में ही आपको मिले 6 करोड़ रुपए में सबसे खतरनाक चीज़, तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? जी हाँ, आज हम बात करने वाले ऐसे ही एक लैपटॉप की जिसकी कीमत पहुँच चुकी है 6 करोड़ रुपए, और जो कि है एक सैमसंग की नोटबुक, जो है वो है 2008 मॉडल का, 10 इंच का एक लैपटॉप है, जिसके अंदर 1 GB रैम और 160 GB उसकी हार्ड डिस्क है, विंडो XP इंस्टॉल है, इंटरनेट से वो कनेक्टेड नहीं है। ये उस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन, और उसकी कीमत पहुंच चुकी है 6 करोड़ रुपए। तो चलिए जानते हैं इस लैपटॉप के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण इसकी कीमत 6 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिंदर बड़ी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोफन में। आपके लिए मैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी रोजाना एक वीडियो लेके आता रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके पास आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस लैपटॉप में ऐसा क्या खास है। लैपटॉप की फोटो आपको वीडियो में इधर या इधर या इधर आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस इंस्टॉल है, यानी आप 6 करोड़ रुपए देके क्या खरीदते हैं, खतरा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से वायरस हैं इसके अंदर, और कौन कौन से वायरस कब कब आए उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिटेल में। इसके अंदर भैया वायरस है आई लव यू, प्रपोज नहीं कर रहा भैया, वायरस का नाम बता रहा हूँ। इसके अंदर एक वायरस है आई लव यू, जो देखा गया था सन 2000 के अंदर, और ये वायरस आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में आपको मेल के थ्रू भेजा जाता था। उसके बाद में ये आपके जो है सिस्टम के ऊपर रन करता था और डिफरेंट तरीके की फाइल फोल्डर को डैमेज कर देता था, आपकी जो हार्ड डिस्क है वो क्रैप्ट हो जाती थी, ये ऐसा काम करता था। उसके बाद में जो ये दूसरा वायरस आया सन 2003 के अंदर, सो बिग, जो दुनिया का सब दूसरे नंबर पे सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वायरस था, और इसकी यदि बात करें तो ये भी भैया मेल के ज़रिए ही भेजा जाता था, और ये सेम काम करता था, आपके जो है फोल्डर वगैरह होते थे उनको ये कॉपी कर लेता था, क्रैप्ट कर देता था, आपका जो डेटा है वो क्रैप्ट हो जाता था, और ये वहाँ पे जो है आपकी जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता था, और आपके जो नेटवर्क है जिस नेटवर्क से आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका जो है सिस्टम फेल हो जाता था। अगले वायरस की बात करें तो अगला वायरस जो है उसका नाम है माई डूम, और ये वायरस देखा गया था सन 2004 के अंदर, और ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग वायरस था। ये जैसे ही, ये भी मेल के ज़रिए भेजा जाता था, जैसे ही आपके कंप्यूटर के अंदर ये वायरस आ जाता था, ये आपका पूरा सिस्टम जो है उसे हैक कर देता था, और आपकी मेल के अंदर जो भी कॉन्टेक्ट है उन सभी को ये ऑटोमेटिकली अपने आप ये उन्हें भेजना शुरू कर देता था। तो एक तरीके से बोले तो ये एक चैन की तरह चलता था, इसके कारण ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग वायरस जो है ये बना। अगले की बात करें तो अगला जो वायरस है वो है ब्लैक एनर्जी, तो ये वायरस जो है सन 2007 के अंदर देखने को मिला, ये भी जो है ईमेल के ज़रिए जाता था और अपना कमाल दिखाता था। अगले वायरस की बात करें तो अगला वायरस जो है वो है डार्क टकीला, ये वायरस जो है ये USB डिवाइस द्वारा आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर इंटर किया जाता था, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता था ये वहाँ से कॉपी कर लेता था और कंप्रेस फाइल के रूप में पेन ड्राइव के अंदर रख लेता था, उसे बाद में जो है डिकोड किया जाता था। ये जो आपकी बैंक की डिटेल और भी आपकी जितनी भी प्राइवेसी है उस सबकी माँ बहन करने में ये तत्पर था। इस वायरस के बाद जो है एक और वायरस आया, वानाक्राई, सबसे खतरनाक वायरस इसे कहा जा सकता है। ये आपको इंटरनेट के ऊपर किसी भी टोरेंट फाइल में या ईमेल के थ्रू कहीं से भी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता था, और डाउनलोड करने के बाद ये आपके सिस्टम को कर देता था भैया लॉक, और उसके बाद आपसे डिमांड करता था
कुछ पैसे की जो आपको बिटकॉइन के अंदर पे करनी होती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता था, और ये आपको एक लिमिटेड टाइम देता था। जैसे कि आपको 24 घंटे 48 घंटे का टाइम दे दिया, यदि आप अपना कंप्यूटर उस टाइम के अंदर अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको उतना अमाउंट उन्हें पे करना ही पड़ेगा, ये इस तरीके से आपको मजबूर कर देता था। और यदि आप पे नहीं करते थे टाइम पे तो आपका डेटा हो जाता था डिलीट, फिर क्या भैया। तो ये 6 वायरस जो मैंने बताया, ये वायरस उस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल है। इसके इन वायरस के कारण जो है इसकी कीमत पहुंच चुकी है 6 करोड़ रुपए, और अभी और बढ़ी जा रही है। देखते हैं इसकी कीमत कहां तक पहुंचती है। ये जो है लैपटॉप न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है नीलामी के लिए रखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और आपको थोड़ी बहुत तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि बिल्कुल भी, मतलब कि जरा सा भी आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो के अंदर आपको कुछ नया देखने को मिला, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जो दोस्त आपके टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम वो चीज़ इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद।